नमो मा को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिच्चरा कैसा रहेगा मई 2021 का महीना इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है मई 2021 हजार इक्कीस बारह के बारह राशियों के लिए कैसा रहेगा इस विचार को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब मई माह की नक्षत्र गणना इस प्रकार है इस माह का आरंभ जो पहली तारीख है वो मेष लगन में सूर्योदय हो रहा है लगन में सूर्य और शुक्र चंद्रमा राशि नवम भाव में मंगल मिथुन राशि तीसरे भाव में बुध राहु के साथ दूसरे भाव में बृहस्पति कुंभ राशि ग्यारहवें भाव में शनि स्वराशि मकर में दसम भाव में केतु वृश्चिक राशि अष्टम भाव में शनि और मंगल का सराष्ट्र की योग बुध और राहु का और शनि के साथ नवम पंचम योग और बृहस्पति और मंगल का नवम पंचम योग मंगल और केतु का सराष्ट्र योग और सूर्य शुक्र और केतु का सराष्ट्र योग जिस तरह की ग्रह योगा योग है संपूर्ण राष्ट्र के अंदर एक नई जागृति आएगी व्यक्ति स्वयं सतर्क रहना शुरू करेगा गृह योगयोग बहुत अनुकूल है लेकिन जब जब राहु के साथ समझ बनता है और जब जब सूर्य और केतु का संबंध बनता है तब तक कोई न कोई कोई न कोई महामारी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती है तो महामारी को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है परंतु समय राष्ट्र के लिए अनुकूल है राजनीतिक मंच पर आक्रमक अखाड़े बने रहेंगे फिर भी राष्ट्र में एक नई सोच उत्पन्न होगी जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा शत्रु भाव रखने वाले राष्ट्र एवं विघटनकारी आतंकारी शक्तियां छिन्न होगी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी जनता को राहत मिलेगी तो जो नक्षत्र गणना है मई मैं महीने की वो जो साधारण जनता है शासन उसको पूरा सहयोग करेगा सरकार की तरफ से जो अंतिम लाइन वाले लोग हैं जो बीपीएल कहते हैं बिलो पॉवर्टी लेवल उनके लिए नए नए रोजगार के साधन आर्थिक पक्ष सुधर होगा बहुत अच्छे लेकिन कुछ गणनाएं इस तरह की है वो ये संकेत दे रही कि हमें कोरोना वायरस से सावधान तो रहना पड़ेगा दो गज की दूरी और मास्क जरूरी है ध्यान रखना भाई अपने अपने को घर में रखना बहुत जरूरी है ज़्यादा लोगों से नहीं मिले और सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ स्वयं को भी विचार करना होगा कि ये वायरस नुकसान दे सकता है इसलिए मास्क लगाना प्रकृति के साथ रहना बहुत जरूरी है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो और गुनगुना पानी सेवन करना बड़ा शुभ रहेगा मई मही का महीना अपने आप में बड़ा शुभ है क्योंकि तो इस महीने में चौदह मई को अक्षय तृतीया का अभूतपूर्व कल्याणकारी पर्व है और अक्षय तृतीया कभी छह नहीं होता है अक्षय तृतीया का अद्भुत त्यौहार है और यह अबू साया भी है अक्षय तृतीया का पूजा का जो महत्व है वो सुबह पांच बजकर चालीस मिनट तो से लेकर दोपहर बारह बजकर पंद्रह मिनट तक है अक्षय तृतीया यानी जिसका कभी छह नहीं होता इसलिए दो हजार इक्कीस अक्षय तृतीया का अद्भुत त्यौहार अपने आप में बड़ा अलौकिक है इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ऊंच के हैं भाई ज्योतिष के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है चौदह मई दो हजार इक्कीस यह दिन नर और नारायण के अवतार का दिन है इसी दिन भगवान परशुराम का अवतार हुआ था और हैग्रीव का अवतार भी यह इसी दिन हुआ था शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया की बेला में त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ और शत्रु समाप्ति त्रेता और शत्रु की संधि यानी साक्षी तिथि है और जनमानस के लिए बहुत अद्भुत तिथि है महाभारत के अनुसार इसी दिन भगवान सूर्य ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रस्तुत किया था भगवती दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का वध किया था और अक्षय तृतीया का ही दिन था जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था तो भाई मई मही का महीना अपने आप में बहुत अद्भुत है मैं मई मही के महीने में बारह के बारह राशियों पर ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहेगा यह तो बताऊंगा बताऊंगा इसके साथ में अक्षय तृतीया पर धन संबंधी परेशानियों का निवारण कैसे हो वो सारे उपाय बताऊंगा ये लोग जो शादी विवाह के मसले को लेकर बहुत परेशान है उनके लिए उपाय बताऊंगा करदा बहुत रहता है मुक्ति का उपाय बताऊंगा पारिवारिक सुख शांति का उपाय बताऊंगा नौकरी और परिवार में सुकून कैसे रहे यह भी उपाय अक्षय तृतीया पर अद्भुत उपाय लेकर आया हूं बारह बारह राशियों का अक्षय पावन पर्व पर अपने घर में भगवान श्री विष्णु माधव की मूर्ति का जलगंगा जल से पवित्र करने के बाद पीले पुष्प अर्पित करिएगा उस दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो इस मंत्र का जाप करिएगा आपका कल्याण होगा अक्षय तृतीया 14 मई 2021 अपने आप में अभूतपूर्व तिथि है कल्याणकारी तिथि क्योंकि इस दिन पितृ तर्पण के लिए बहुत शुभ दिन माना गया पावन तिथि है पितृ तर्पण के लिए इस दिन श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है जो गेहूं चना चावल सत्तू दही दूध से बने पदार्थ पितरों के नाम पर जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मणों को दान देना बड़ा शुभ माना गया है और यह वही दिन है जिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं संपूर्ण मनोकामनाओं के हिसाब से अखंड सौभाग्य के हिसाब से संतान सुरक्षित रहे और घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो अद्भुत बारह के बारह राशियों के लिए उपाय लेकर आया हूं अक्षय तृतीया पर कैसा रहेगा मई का महीना और मई के महीने में धन की बरसात हो मां घर लक्ष्मी आए और संतान को सुख की प्राप्ति हो शादी विवाह के मसले हलो और सौभाग्य में वृद्धि हो अद्भुत बारह के बारह राशियों के लिए उपाय भी लेकर आया हूं तो कैसा रहेगा बारह के बारह राशियों के लिए मई का महीना और अक्षय तृतीया में आपकी मनोकामना कैसे पूर्ति हो हर राशि का अलग अलग उपाय भी बताऊंगा नमन नारायण नमो नारायण नम ना अब मैं राशियों पर आता हूं बात करते हैं वृश्चिक मई दो हजार इक्कीस वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से इस विषय को लेकर आपके सामने हूं इस विषय पर कुछ चर्चा करूं उससे पहले वृश्चिक राशि वालों के बारे में कुछ बातें जो मेरे अनुभव की वो सामने रखना चाहता हूं मानो न मानो आपकी मर्जी इस बार कुछ स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करूंगा कि जीवन में स्वास्थ्य को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और मंगल अग्नि तत्व को प्रतिनिधित्व करता है इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा आक्रमक होता है इनकी स्वभाव में थोड़ी सी क्रोध की प्रवृत्ति होती है तो ये जातक परिश्रम करते हैं मेहनत करते हैं खाली बैठना इन्हें पसंद नहीं है लेकिन यदि इस अनुसार उन्हें फल प्राप्त नहीं हो तो फिर इनको क्रोध अवश्य आता है कार्य करने की असीम क्षमता होती है वृश्चिक राशि वालों में जिस बात को एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करने के पश्चात ही दम लेते हैं अपनी बात के बड़े पक्के होते हैं स्थिर राशि है इस कारण मेष राशि के जातक जातिकाएं मेहनती कर्मठ और बहुत ही उत्साह इनमें भरा रहता है लेकिन इनमें एक कमी भी होती है इनको अपनी क्षमताओं का निश्चित आभास नहीं होता है ये अपने जो भीतर में अथा ऊर्जा की शक्ति है उसे पहचान नहीं पाते हैं इसलिए इनकी शक्ति की उपयोगिता कम हो जाती है। लेकिन इनको यह बात बता दी जाए तो ये पुनः सक्रिय हो जाते हैं और कार्य करने की ठान लेते यदि गुस्सा आ जाए भाई तो इन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है इस राशि के लोग थाली बैठना पसंद नहीं करते कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ न कुछ, 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 करते रहना पसंद करते अद्भुत राशि है राशि बहुत ही अद्भुत है, है। शासन से संबंध रखती है सीमाओं पर सुरक्षा से संबंध रखती है एटमन जो जो हमारी जितनी भी आणवी शक्ति है उस पर इसका प्रभाव बहुत अद्भुत तो वे लोग जो हमारे प्रहरी है पुलिस में हो गया फौज में हो गया या ऊर्जा से संबंधित कहीं पर वृश्चिक राशि के लोग सेना पुलिस ऊर्जा का क्षेत्र जहां भी ऊर्जा का क्षेत्र होगा वृश्चिक राशि के लोग ही नजर आएंगे वृश्चिक राशि की जातक जातिकाएं प्राय औसत से अधिक बाल रोग के शिकार होते हैं बचपन में बीमार रहते हैं लेकिन अवस्था में ये स्वस्थ और निरोगी रहते हैं क्रोध और अत्यधिक उत्तेजना इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है इसे इनको बचना चाहिए और ज्यादा क्रोध और आक्रामक होने की वजह से स्नायु विकार हो सकता है यूरिन प्रॉब्लम इन्हें बहुत ज्यादा हो सकती तपेद की बीमारी यानी टीबी संबंधी बीमारी इन्हें घेर सकती उच्च रक्तचाप से ये पीड़ित रह सकते हैं इसे बचना चाहिए वृश्चिक राशि रचनात्मक कार्य जुड़ा होना विश्व के सबसे तेज और त्रिव बुद्धि के लोग तेज बुद्धि के लोग वृश्चिक राशि के पाए जाते हैं और इसी के कारण इन्हें मास्टर भी कह सकते हैं आप ये अद्भुत राशि है ऊर्जा से संबंध रखती है यदि सकारात्मक सोच के साथ ये आगे बढ़े तो राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और समाज और परिवार के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसा मैंने देखा वो आपके सामने रखा कोई बात गलत नहीं की तो क्षमा क्षमा कर देना भाई अब मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा मई 2021 राशि वालों के लिए नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है राशि छठे भाव से गोचर करें सूर्य पंद्रह मई को वृषभ राशि सप्तम भाव में चार मई को शुक्र स्व राशि वृषभ में सप्तम भाव से गोचर करेंगे अट्ठाईस मई को शुक्र मिथुन राशि अष्टम भाव में आ जाएगा चंद्रमा राशि दूसरे भाव बृहस्पति कुंभ राशि चतुर्थ भाव शनि मकर राशि तीसरे भाव में गोचर कर रहा है राहु बुद्ध के साथ वृषभ राशि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु वृश्चिक राशि लगन भाव से गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना मध्यम रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए मई के महीने में लाभ और हानि और सफलता वृश्चिक राशि वालों के व्यक्तिगत व्यवहार पर निर्भर करेगी इस महीने हल किसी चूक समस्या का कारण बन सकती पूरे महीने रिश्ते नौकरी परिवार और स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना पड़ेगा जिससे कि घरे योगा ही हो गए थोड़ी सी सावधानी इस महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए ध्यान में रखनी चाहिए चलिए अब बात करते हैं शिक्षा व्यवसाय नौकरी स्वास्थ्य परिवार विस्तार से तो सबसे पहले शिक्षा की बात करता हूँ वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए मई मही के महीने में शिक्षा में सफलता के लिए कठिन परिश्रम और मेहनत करनी होगी तभी सफलता मिलेगी शिक्षा पढ़ाई में मन लगाने होगा व्यर्थ के रात्रि भ्रमण से बचना होगा और तथाकथित मित्र मंडली के साथ सोशल मीडिया पर बिजी रहने पर परीक्षा परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं वे लोग जो शोध के क्षेत्र में हैं जो रिसर्च कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं या मेडिकल के क्षेत्र में है उच्च शिक्षा में है उन्हें सफलता का चांसेस बहुत अच्छा है लेकिन परिश्रम करना होगा नारायण और बात करते हैं कामकाज नौकरी व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवसाय नौकरी कामकाज आर्थिक लेनदेन के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना मिश्रित फलदायक रहेगा एक और जहां आपकी कार्य कुशलता को बढ़ाएगा वहीं दूसरी और कार्य क्षेत्र में अचानक बहुत से परिवर्तन ला सकता है यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो यह समय आपके लिए उतार चढ़ाव का साबित होगा आपकी राशि के स्वामी मंगल अष्टम भाव से गोचर करना अचानक होने वाले परिवर्तनों का संकेत दे रहे हैं कार्य क्षेत्र और आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए सुखदायक साबित नहीं होंगे इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय सोच विचार करना बहुत जरूरी है नकारात्मक सोच से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी क्योंकि नकारात्मक सोच आपकी कार्य क्षमता में बाधा उत्पन्न करेगी और जिसकी वजह से आप कार्यस्थल पर अपनी पोजिशन खराब कर सकते हैं सावधानी अपेक्षित है इसके अलावा आपकी नेगेटिव अप्रोच श्रम के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकती है इस समय आप दूसरों पर विश्वास भले ही ना करें पर आपको स्वयं पर विश्वास बनाकर रखना होगा सकारात्मक सोच रखनी होगी क्योंकि परेशानियां चाहे कितनी हो एक न एक दिन उनका अंत होना निश्चित होगा इसलिए सोच को सकारात्मक रखें। परेशानियों के उस पार हमेशा एक नई सुबह हमारा इंतजार करती है जीवन का सत्य यही है और इस सत्य को हमें हमेशा मन में रखकर आगे बढ़ना है तभी आप वास्तव में जीवन के महत्व को समझ पाएंगे और सही तरीके से जी पाएंगे ये वृश्चिक राशि वालों के लिए जरूरी संदेश था जो मैंने दिया मंगल ये काल आपको जीवन के और नजदीक लाने वाला है आपके अपने पास लाएगा और उसे ज्यादा गहराई से समझने समझने की समझ देने वाला आपका स्व का अवसर आपको देगा मंगल इस समय वैसे बृहस्पति देव की दसम भाव पर दृष्टि शनिदेव का स्वराशि तीसरे भाव में भ्रमण करना कारोबार में सफलता अवश्य दिलाएगा वृषभ राशि में राहु और बुद्ध की सप्तम भाव में युति इस बात का संकेत कि नवीन कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा पुराने रुके हुए कार्य शुरू होंगे रुके हुए धन की प्राप्ति होगी साथ ही इस बात का भी संकेत मिल रहा है यदि आपने किसी को उधार धन दिया है तो वापिस इस दौरान मिल सकता है इस महीने किए गया पूंजी निवेश आपके लिए लाभ पक्ष को सुदृढ़ करेगा परंतु तो पूंजी निवेश करते समय बुजुर्गों एवं अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें महीने का उत्तरार्थ भाग व्यवसाय में मजबूती बढ़ाएगा आर्थिक पक्ष सुदृढ़ करेगा बचत का सुअवसर भी देगा परंतु माह के आरंभ में पारिवारिक सुख समृद्धि पर खर्चों का संकेत भी नजर आ रहा है सूर्यदेव उच्च राशि मेष में छठे भाव से भ्रमण करना नौकरी के क्षेत्र में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे रोजगार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी नौकरी में आ रही अड़चनों से छुटकारा मिलेगा कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और कार्यस्थल पर साथियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा उच्च अधिकारियों का साथ मिलेगा जो कोई नई जानकारी भी आपको प्राप्त हो सकती है और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा सचेत होकर चलने का संकेत दे रहा है मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने के कारण इस समय बहुत जरूरी है यह समय अंतराल अपनी वाणी पर रखना है परिवार वालों के साथ बातचीत करते समय वाणी में तलखी नहीं आए आक्रोश नहीं आए बहुत जरूरी है पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए उनसे व्यवहार करना है क्योंकि इस समय आप थोड़ा सा रूखा और कड़वा बोल सकते हैं जो आपके पारिवारिक सदस्यों को रास नहीं आएगा पारिवारिक सदस्यों के बीच आपस में ताना तानी हो सकती है इसलिए वाणी में संयम बहुत जरूरी है इस समय आपके परंतु दूसरे भाव का बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान होने के कारण पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे हां यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति का मसला अटका है तो यह गोचर आपको इसमें लाभ देने वाला है इसके साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है फिर भी इस महीने माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकता और भावनाओं की कदर करें और कम से कम क्रोध करें कम से कम गुस्सा करें कम से कम लड़ाई करें भाई नमन आ रहे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है लग्नाधिपति अष्टम भाव में गोचर करना आपके स्वास्थ्य के लिए शुभता का संकेत नजर नहीं आ रहा है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती है विशेषकर पेट दर्द सिर दर्द बुखार पित्त संबंधी तकलीफें आपको परेशान कर सकती है चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें हल्की सी कोई बीमारी समझ में आती तुरंत डॉक्टर से सलाह लें विशेष सावधानियां क्या है वृश्चिक राशि वालों के लिए मई मैं के महीने में तो यह समय आपको धैर्य और संयम के साथ व्यतीत करना व्यतीत करना है किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोए घर हो या बाहर अपने व्यवहार में शालीनता बनाकर रखें जीवन साथी के प्रति पारदर्शिता इस महीने बहुत ज्यादा जरूरी है छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते खराब नहीं हो इस बात पर ध्यान देना होगा और स्वास्थ्य को लेकर इस बात का विशेष संकेत नजर आ रहा है कि छोटी मोटी बीमारी को नजरअंदाज किया तो कोई बड़ी बीमारी का भी कारण बन सकता है निजी संबंधों को लेकर सावधानी अपेक्षित मित्रों जरूर ध्यान रखें क्या उपाय करें क्योंकि थोड़ी सी परेशानी है तो इस महीने मंगलवार के दिन नित्य क्रम सिंह स्नान उपरांत सुंदरकांड का पाठ यदि आप करते तो बड़ा शुभ रहेगा मंगलवार के दिन शाम को नौ बजे के बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर यदि सुंदरकांड का पाठ करें तो महीना आराम से बीतेगा एक तांबे का छेद वाला सिक्का मिलता है उसे लाल धागे में गले में धारण कर दीजिएगा अच्छा रहेगा गरीब निर्धन जरूरतमंद लोगों को गुड़ और चने का दान देना भी शुभ रहेगा वृश्चिक राशि वालों मई मैं के महीने में अब क्योंकि अक्षय तृतीया चौदह मई को कैसे बरसे धन कैसे हो परेशानियों का निवारण घर में कैसे लक्ष्मी आए वैवाहिक और पारिवारिक समस्याओं का कैसे निवारण हो और नौकरी में कैसे सफलता मिले ये उपाय बता रहा हूं वृश्चिक राशि वालों चौदह मई को अक्षय तृतीया है और चौदह मई अक्षय तृतीया के पावन पर्व सुबह पाँच बजकर चालीस मिनट से लेकर दोपहर बारह बजकर पंद्रह मिनट के बीच कांच के कटोर में सवा किलो सेंधा नमक भरकर घर के ईशान काम में रख दीजिए शाम को प्रदोष काल के समय गाय के घी का दीपक जलाएं पांच पाठ बजरंग बाण का करें संपूर्ण आर्थिक नौकरी के वापस व्यावसायिक परेशान निवारण के लिए ये उपाय अद्भुत है और प्रातःकाल ये नमक प्रातःकाल ये नमक बहते पानी में प्रवाह कर दे तालाब में प्रवाह कर दे या बास बेसन खोल कर उस पर पानी के साथ प्रवाह कर दीजिए ये बहुत जरूरी है भगवान परशुराम के दर्शन अक्षय तृतीया के दिन जरूर करें और भगवान परशुराम के श्रीचरणों में लाल पुष्प अर्पित करेंगे तो नौकरी परिवार स्वास्थ्य और कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानी से छुटकारा मिलेगा नमोनारायण ये था मई दो हजार इक्कीस का वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का संकेत पुनः मेरा निवेदन मैंने तो अपने भाव आपके सामने रखे मेरा कोई दबाव नहीं आप मेरी बात माने सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था आपका है आप ही का रहेगा मित्रों और साथियों कोरोना वायरस चारों ओर तहलका मचा रहा है लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा। भय नहीं करना है सतर्क रहना है सजग रहना है लेकिन भयभीत नहीं रहना है मन ही मनुष्य मोक्ष और बंधन का कारण मन पर इसको हावी नहीं होने देना है सतर्क रहना है दो गज की दूरी और मास्क जरूरी है लेकिन भय नहीं करना है और एक बहुत जरूरी बात है क्योंकि इस समय हम लोगों से थोड़ा जितना दूर रहेंगे सामाजिक प्लेस पर कम से कम जाएंगे सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इसके साथ ही अब सोशल मीडिया का लाभ आपको लेना है आपके पास मोबाइल है वे लोग जिनको आप जानते हैं उनसे फोन जरूर करें उनका हालचाल लें उनका मनोबल बढ़ाएं उनसे बात करें और उनसे पूछें कि कहीं हमारी आवश्यकता तो नहीं और कोई आवश्यकता है उन्हें मदद जरूर करें और वे लोग जो आपके भरोसे हैं चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो उन्हें भूखा नहीं रहने दें इस बात का ध्यान जरूर दें रखें शनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि आप सभी लोग स्वस्थ सुखी और निरोग रहें न मना रहें नीस साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा पिछले दो तीन सालों से मेरी परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं हैं जित जितनी मस्ती में मैं गोमाता माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है राष्ट्र में पूर्ण विश्वास है क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं जो मैं जानता हूं मेरे आराध्य देवादि देव शनिदेव देव गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला आपको ज्योतिषी समाधान में, में मेरा सहयोग चाहिए मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं मैं प्रयास करता हूं मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप माता के लिए इक्कीस सौ रुपया गौशाला में जरूर दें आप सभी लोगों ने मेरे में विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे मेरी गौ माता को चारा मिले और जो भी दानदाता जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं निवेद इतना ही है कि अब गर्मी आ गई इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी इतने दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज्यादा नजर आ रही है आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए ऐसा कुछ प्रयास करिए नंबर आपके सामने में है इन नंबरों पर संपर्क करिए मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूँगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं कहीं मैं आपको सहयोग करूं जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा इन नंबरों पर कहकर आप समय पर समय ले लीजिए हाँ इतना ज़रूर है कि दो चार दिन लग सकता है क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं हर रोज़ मैं मुश्किल से दस या बारह लोगों से बात कर सकता हूँ क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए तो मैं उसमें रहता हूँ आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियों नीर परमारत के कारण ही मानव धरा शरीर सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों और समय बड़ा बलवान है समय एक सा नहीं रहता है आज मेरी प्रस्तुति है कि मैं आपसे निवेदन कर आज तक मैंने राज्य से कभी पैसा नहीं मांगा मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पर ध्यान दीजिए मैं भी सेवा कर रहा हूँ आप भी सेवा करिए इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूँ मेरी आर्थिक परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूँ गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग इक्कीस सौ रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे शनि भगवान के सिल चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे मित्रों और साथियों दाती भरात जीवन भर आपके आभारी आप रहेंगे इस सेवा के लिए मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे उन्हें तकलीफ नहीं आए थोड़ा सा प्रयास जरूर करें न मना रहे